उत्तर प्रदेश मेरठ आवास विकास परिषद के क्षेत्र शास्त्री नगर सेक्टर 1 में आवासीय भूखंडों में व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही थी। इसकी शिकायत एमडीए में हुई थी। इसका संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन जोन डी की टीम ने शुक्रवार को सील लगाने की कार्रवाई की। इस दौरान टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। शास्त्री नगर 1 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या 232/1 पर विशंबरनाथ आनंद आवंटी, संजीव कुमार वर्मा व चेतन वर्मा द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर केसर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के नाम से व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही थी। इसे एमडीए अफसरों ने सील कर दिया। इस तरह आवास विकास परिषद में ही आवासीय भूखंड संख्या 251/1 पर संजय रस्तोगी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कर बॉक्सी पार्क रेस्टोरेंट नाम से व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही थी। इसे भी एमडीए अफसरों ने सील कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी विपिन कुमार, अवर अभियंता वेद प्रकाश अवस्थी, अवर अभियंता ओमपाल यादव और जोन डी का प्रवर्तन दस्ता मौजूद रहा। उन्होंने बताया कि शास्त्री नगर सेक्टर 2 के आवासीय भूखंड 305/2, 159/2, 440/2, 435/2 में भी अवैध निर्माण कर व्यावसायिक कार्य हो रहा है। जल्दी कार्रवाई होगी। निर्माणों को लेकर आवास विकास की नींद जाग गई है। आपको बता दें कि आज शास्त्री नगर सेक्टर 2 में और सेक्टर 1 में 4 जगह आवास विकास और एमडीए की टीम को सील लगाना था। ऐसे ही बता दें कि जब निर्माण पूरा हो जाता है तो आवास विकास और एमडीए तब कार्रवाई करने आते हैं। उससे पहले ना तो कोई उन्होंने नोटिस दिया है कि शिकायतें होने के बाद भी अब नींद से जागा आवास विकास में। एक यहाँ पर हमारे पीछे सबसीट है, उसको सील लगा दी है और अंदर यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, उसके बाहर वो एमडीए की टीम लगाकर एमडीए और आवास विकास की टीम सील लगाकर चली गई है। ना कि इन्हें कोई पूरी जानकारी दी है, ना इन्हें बताया गया है और सील लगाने के बाद वो चले गए हैं। मगर यहाँ पर लोगों का अभी आवन जावन है, यहाँ से खरीदारी पूरी हो रही है लगातार। अब लोग बैठे हुए हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, सब आ रहे हैं। सील लगने के बाद भी यहाँ सब बैठे हुए हैं और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर कोई रोक दिया हो या फिर किस तरह के वो हो लगातार। मगर ऐसे कई जगह निर्माण है जो शास्त्री नगर और इस तरह का कई सेक्टरों में यहाँ पर पनप रहे हैं और लगातार निर्माण चल रहा है। जब यहाँ तक कि पूर्व आवास आयुक्त जो लखनऊ बैठते थे धीरज साहू ने पहले भी कहा था कि अब अवैध निर्माण नहीं होंगे। अजय चौहान के आने के बाद भी यहाँ पर लगातार निर्माणों की बाढ़ हो रही है।